Hello my dear, today I am going to start class 12th English Vistos, Vistoska lesson journey to the end of the earth written by Tishani Doshi, Tishani Doshi she is an Indian poet writer and dancer and she lives in Chennai चेन्नई में रहती है भाई और इस यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक एनसीईआरटी की है यूपी बोर्ड में भी चलती है और वेर एवर दिस इज प्रिस्क्राइब्ड यूजफुल फॉर ऑल स्टूडेंट्स दिस लेसन बहुत ही अच्छा लेसन है आज हम यात्रा चलो एक बार कहाँ चले भाई आज हम लोग अंटार्कटिका में चलेंगे अंटार्कटिका यू नो ग्लोब अगर आप देखते हैं तो ग्लोब के सबसे नीचे जहां वैसे तो पृथ्वी गोल है तो इसका कोई अंत ही नहीं है ये नहीं कह सकते जैसे सर्किल में कोई अंत नहीं होता है कोई शुरुआत नहीं होती है बट इसको एंड माना जाता है पृथ्वी के सबसे नीचे वाले भाग में एक अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वहां पर चलने की बात होती है वही उसी को कहा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और वहां पर किसानी दोषी भी जाती है जो हमारी राइटर हैं ये भी उस ग्रुप में है तो इसके कुछ राइटर्स हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं द नरेटर तो राइटर इज द नरेटर वो खुद डिस्क्राइब कर रही है कि कैसे वो वहां पर जाती है एक प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स ऑन आइस में और द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स भी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो प्रोग्राम क्या है स्टूडेंट्स ऑन आइस इनको ले जाया जाता है अंटार्कटिका में ये फील करें आज की मॉडर्न प्रॉब्लम को क्योंकि यही पॉलिसी मेकर्स हैं कल यही पॉलिसी बनाएंगे सारी चीज इन्हीं को जानना है यही उसके बाद ये लोग एक वैसल से जाते हैं रसियन वैसल है रसियन रिसर्च वैसल है और जिसका नाम है एकेडमिक सोकोल्स की एकेडमिक सोकोल्स की यही वो जहाज है जिससे लोग वहां पर पहुंचते हैं और जो उनको वहां पर ले जाता है जे ऑफ ग्रीन एक कनाडा के व्यक्ति है कनाडियन पर्सन है और हु टेक्स जो इस प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस के हेड हैं मुखिया है चीफ है जो इन बच्चों को हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लेकर के अंटार्कटिका विजिट पर जाते हैं और वहां उनको दिखाते हैं इस दुनिया के अंत मतलब कहां से दुनिया को समझाने की एक कोशिश करते हैं कौन जिय ग्रीन द कैप्टन कैप्टन कौन है भाई तो अकेडमिक शोकोल्स जो रशियन रिसर्च वेसल है उसके ये कैप्टन है तो ये कैरेक्टर्स हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं कि क्या है इस लेशन में कैसे ये स्टार्ट होता है इसको हम लोग अच्छे से स्टार्ट करते हैं यस yes, डियर तो यात्रा शुरू होती है एकेडमिक शोकोल्स जो रशियन वेसल है और इसमें हमारी जो राइटर है वही नायरेटर है वो बता रही हैं कि कैसे सी रिवील्स द अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट एंड विंडियस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड तीनों वर्ड याद रखिएगा कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट एंड विंडियस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड और वो अपनी जर्नी को याद करते हैं कैसे उनकी जर्नी जो है मद्रास से स्टार्ट होती है सी स्टार्ट हर जर्नी मद्रा फ्रॉम मद्रास फ्रॉम मद्रास देर आर फिफ्टी टू पीपुल मैंने स्टूडेंट कुल मिला के उसमें फिफ्टी टू लोग हैं और टू वीक्स की यह जर्नी है तो कैसे वो हंड्रेड आवर्स कैसे वो सौ घंटे की यात्रा करने के बाद वहां पर जाके वो लैंड करती है और कैसे सी कमेंसेज हर जर्नी फ्रॉम मद्रास आई क्रॉस नाइन टाइम जोन क्रॉसेस अपने में पहुंचने से पहले वो मद्रास से जो शुरू करती है क्रॉस करते हुए वो जाकर के वहां पर पहुंचती है और उसके बाद वहां पर वो देखती है कि अंटार्कटिका क्या चीज है अंटार्कटिका तो दो ध्रुव है एक तरह से ध्रुव भी है पृथ्वी का एकदम अंतिम छोर है किनारा है गोंडवाना एंड द ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड आप जानते हैं कि जब वर्ल्ड पहले एक ही कॉन्टिनेंट था ठीक है आज तो कॉन्टिनेंट कई हो गए हैं यस डियर कहने का मतलब एक पहले सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था उसका नाम होता है पैंजिया जब पैंजिया ब्रेक होता है तो दो लारेशिया और गोडवाना लैंड बनते हैं तो गोडवाना लैंड जो था कह रहे हैं कि यहीं पर था पहले जहां पर आज ये अंटार्कटिका है और वहीं पर कह रही हैं कि ये बहुत ही इसको पहले गोडवाना लैंड के इसी के पास रहता था ह्यूमस तब यहां पर ह्यूमस नहीं थे और यहां की बहुत ही वार्म क्लाइमेट थी और उसके बाद धीरे धीरे गोडवाना ब्रोकअप एंड आज जो देश दुनिया सिटी सब बने हैं ये गोडवाना के ही ब्रेक होने पर भारत खुद ही गोडवाना का एक पार्ट है और खुद बताती है कि भारत जो था कभी इससे सेपरेट हुआ है और जाकर के हिमालय का जो किया हिमालय से एशिया से अलग मतलब हुआ है यूरोप से तो ये हिमालय पर्वत बना हुआ है ठीक है अब ये पहुंचती है तो अंटार्कटिका को देख के सरप्राइज इनको हो जाता कि इतना सी थी? थी? है कितना बड़ा अंटार्क्टिका सरप्राइज ठीक है कहती नाइंटी परसेंट इसका क्या है 90 परसेंट ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम आर स्टोर्ड पूरी दुनिया में जितनी बर्फ है उसका नाइन्टी परसेंट तो यहीं पर है और कह रहे हैं कि यहां पर आप बहुत सारी छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज भी आप यहां पर पा सकते हैं कि जैसे कह रही हैं और यहां पर छोटे छोटे जो है कीड़े मकोड़े से लेकर ब्लू तक भी यहां पर हैं। इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट अब उसके बाद ह्यूमन इंपैक्ट कहते हैं जब मानव का जन्म हो गया तो मानव ने सिटीज ये सब बनाए और उसमें मानव ने क्या कर लिया उसमें मानव ने अपने स्वार्थ के लिए पृथ्वी को एकदम से इस हमारे लवली और सुंदर प्लेनेट को क्या कर दिया भाई डिस्ट्रॉय कर दिया है ठीक है यस माय डियर मानव की वजह से आज हमारे कार्यों की वजह से वो बता रही है वहां पर कि क्या हो रहा है द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज राइजिंग एंड द ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग आज कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग आज सबसे नंबर वन प्रॉब्लम बन गई है आज जितने भी चेंजेस हमारे आपके देखने को मिल रहे हैं सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही हैं और वो हमार, हमारे अपने की वजह से वो हो रहा है यस yes. और वहां पर पहुंचने के बाद मैंने कहा ना कि इतना ज्यादा आज हम लोग कार्बन प्रोड्यूस करने लगे हैं कि पृथ्वी एक तरह से कार्बन ब्लैंकेट से ढक चुकी है और जिसका रिजल्ट हम आप देख रहे हैं कि सब चीज उलट गया है सब चीज अजीब सा हो रहा है यहां पर एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं उनके दिमाग में किसानी दोषी के क्या है कि क्या होगा अगर अंटार्कटिका जैसे यहां की पूरी बर्फ अगर गायब हो जाए जैसे कुछ क्वेश्चन है विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस सीट मेल्ट एंटायरली अगर पूरी तरह से पिघल गई तो क्या होगा करंट भी डिस्टर्प्टेड तो क्या जो गल्फ स्ट्रीम महासागर की धाराएं अगर वो डिस्टर्ब हो गई तो क्या होगा उसके बाद यह कह रही है कि द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइज हिडन इन अंटार्कटिका मुझे बहुत अच्छी यह लाइन लगती है कि हमारी इस लवली प्लैनेट अर्थ का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब कुछ कहां पर है भाई अंटार्कटिका में छिपा हुआ है इसको अंटार्कटिका में सफेद चादर से ढका हुआ अंटार्कटिका में पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब कुछ है यह बहुत अच्छी लाइन लगती है बहुत अच्छी द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज लाइज इन हिडन इन अंटार्कटिका अब कुछ उस प्रोग्राम के स्टूडेंट्स ऑन आइस इस प्रोग्राम के जो है जिस रिसर्च वैसा से ये लोग जाते हैं तो इसमें जो हेड है इस प्रोग्राम के ये जॉफ ग्रीन जो एक कनाडियन पर्सन है वो बताया कि इसके पहले हम लोग क्या करते थे बहुत प्रसिद्ध बहुत फेमस बहुत रिच पर्सन को लाते उनको लाते लाते आई एम टायर्ड ऑफ और उनसे मुझे कुछ मिलना भी नहीं क्योंकि वो जितना उनको अपने जीवन में करना था वो लोग कर चुके हैं फिर इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हाई स्कूल स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स को यहां पर लाया जाए क्यों स्टूडेंट्स को लाया जाए क्योंकि स्टूडेंट्स ही वो है जो स्टूडेंट्स ही है बिकॉज दे आर रेडी टू एब्सॉर्ब लर्न एंड एक्ट व्हाट दे सी एंड स्टडी ऑन अंटार्कटिका दे आर फ्यूचर जनरेशन दे आर फ्यूचर जनरेशन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब लर्न एंड एक्ट व्हाट दे सी एंड स्टडी ऑन अंटार्कटिका कहने का मतलब कि ये हमारे कल के पॉलिसी मेकर्स हैं चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन कहने का मतलब एक बच्चा जो है वही जो देखता है जो सुनता है जो महसूस करता है वही कल को करेगा तो जब उसको यहां पर ला के दिखाया जाएगा कि देखो किस तरह से हमारी ये पृथ्वी बदल रही है और इसका रिजल्ट क्या होगा जरूर ये हमारे बच्चे एक दिन ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे ऐसे टेक्नोलॉजी लाएंगे कि हमारी इस लवली एंड ब्यूटीफुल अर्थ को वो बचा सकने में सक्षम है पहले ये बहुत फेमस लोगों को ले जाता था उनसे टायर्ड हो गया उनसे एक तरह से थक सा गया अब स्टूडेंट्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लाया है ये अपना पर्पज बता रहे हैं कौन यहां पर जो ग्रीन ओके यस माय डियर फिर कह रहे हैं कि यहां पर जो लेसन बच्चों को सिखाना है या जो लोग यहां पर आए हैं उनके जरिए क्या बताना चाह रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट लेसन टू बी लर्न इज लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस कोई भी थोड़ा सा ग्रेटेस्ट लेसन लिटिल चेंज जरा सा छोटा सा बदलाव हमारे पर्यावरण हमारे एनवायरनमेंट में बहुत बड़े बदलाव का कारण बन जाता है यहां उदाहरण देते हैं एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लांकटन का जो कि एक्वाटिक एनिमल्स के जैसे हमारे आपके लिए पेड़ पौधे होते हैं हो, उसे ये जो होते हैं जितने भी जीवधारी होते हैं एक्वाटिक माने जलीय जीव होते हैं उनके लिए वो सब कुछ ऑक्सीजन का काम भोजन का काम सब करते हैं कह रहा है लेकिन अगर ओजोन परत में जरा सा डिस्टर्बेंस हो जाए और ये अगर नष्ट हो जाए तो सारे के सारे जीव पहले जलीय जीव समाप्त हो जाएंगे और उसके बाद फिर हमारी आपकी बारी आ जाएगी कहने का मतलब है जरा सा अगर थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो उसका हम प्रकृति में बहुत बड़ा परिवर्तन बिग चेंज देखते हैं बिग कॉन्सिक्वेंस हम लोग देखते हैं अब उसके बाद ये बता रही है आगे डियर, ये कह रहे हैं कि हमारा जो वैसल था वो पेनिनसुला और टैड पोल के बीच में फंस गया और उसके बाद कैप्टन ने कहा कि अब आप लोग पैदल चलिए तो कह रहे बहुत थिक लेयर पर हम लोग पैदल चले एक बहुत थिक लेयर और उसके नीचे था साल्ट वाटर 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग एंड साल्ट वाटर और कह रहे हैं कि वहां पर मैंने देखा कि सील जो सील होती है सील वो क्रैब ईटर सील्स जो थी आराम से बैठी हुई धूप ले रही थी और जैस कैसे जैसे कोई आवारा कुत्ते होते हैं डॉग्स होते हैं किसी बनियान ट्री के नीचे बैठ कर इंजॉय करते हैं कह रहे इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रिवल्यूशन एवरी कनेक्ट कह रहे ये सब किसी देव दर्शन से कम नहीं था मतलब एक भगवान के जैसे दर्शन से कम नहीं था एक बहुत बड़ा रिवल्यूशन था हमारे सबके लिए जो हम लोगों ने वॉक किया था क्यों वॉक किया कि क्योंकि इनका जहाज वहां पर फंस जाता और उसके बाद कह रहे हैं कि अब यहां पर एक और चीज राइटर हमारी बता रही है कि नाइन मने यहां पर कि अगर अंटार्कटिका पर अंटार्कटिका पर कह रहे हैं कि जैसे कि अंटार्कटिका अगर फिर से वार्म हो जाए जैसा कि पहले था तो जानते जब अंटार्कटिका वार्म हुआ था तो बड़े बड़े जीव जंतु हमारी आपकी उसके सामने क्या औकात है भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिफोर दैट जब डायनासोर मैम और बता रहे हैं कि राइनोज़ ये सब बहुत बड़े बड़े थे ये सब के सब हो गए। तो क्या हम लोग हो जाएंगे? जरूर हो जाएंगे भाई अगर ये वार्म हो गया जैसे शुरू में था जब तक मानव जाति यहां कोई नामो निशान नहीं था अभी तो कह रहे बारह हजार वर्ष पहले ही मानव जाति आई है उसके बाद अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वाट विल है तो कह रहे कि बहुत ये चीज है कहने का मतलब यही एक लेसन यहाँ दिया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग को बच्चे समझें और एक बंद कमरे में आप प्रकृति का अध्ययन नहीं कर सकते हैं शायद इसीलिए स्टूडेंट्स को बाहर ले जाया जा रहा है आउटिंग कराई जाती है बच्चों को विजिट पर लिया माने जा, ले जाया जाता है ताकि वो देखें टूर पर जाए दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ टूर एजुकेशनल टूर है जहां पर आप जाकर के देखिए कैसे प्रकृति अपना रूप बदल रही है कैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है कैसे एनवायरमेंटल इश्यूज उठ रहे हैं यही सब दिखाने का यहाँ पर प्रयास है तो कह रहे हैं कि अगर ये वार्म हो गया, तो शायद फिर सब कुछ फिनिश ही हो जाएगा एंड हो जाएगा लास्ट में कहती है ऑल आई कैन से लॉट कैन है डिफरेंस इट डे मेक्स भाई लाखों वर्षों में तो कुछ भी हो सकता है लेकिन एक दिन में भी बहुत कुछ अनुभव किया जा सकता है जैसा कि हमारी राइटर ने बताया इनका टूर इनको कितनी सारी बातें यहां पर सिखा गया दिस वे वी कैन से माइडियर कि थ्रू किसानी दोषी जो टूर पर जाती है अंटार्कटिका पर उनके जरिए हम जा सकते हैं उनका यह मानना है कि अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड

तो इसमें हमारी इस अर्थ का पूरा मिस्ट्री भरी हुई है और हिस्ट्री तो है ही हिस्ट्री इज मिस्ट्री तो पूरे अर्थ की हिस्ट्री अंटार्कटिका में मिस्ट्री के रही है, है। अगर उस मिस्ट्री को आपको जानना है तो आपको अंटार्कटिका जाना ही पड़ेगा ओके माय डियर तो आप इस लेसन को एंजॉय करिए अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और जब भी मौका मिले तो आप घूमिए जरूर ठीक है थैंक यू वेरी मच